नमस्कार, मैं मदन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा आपसे एटमी कंपनसेशन प्लान के बारे में। प्लान को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि एटमी का प्लान पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस और चर्चित है, क्योंकि एटमी कंपनसेशन प्लान वेल बैलेंस्ड एंड राइटियस कंपनसेशन प्लान है। इसका मतलब है अच्छी तरह से संतुलित और न्याय संगत सर्वोत्तम प्लान। एटमी का विज़न एटमी के सभी मेंबर्स की कामयाबी है, इसी कारण विश्व भर में एटमी का प्लान काफ़ी प्रसिद्ध है। अब देखते हैं एटमी का प्रोडक्ट कंसेप्ट। एटमी का प्रोडक्ट कंसेप्ट मैस्टीज है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, मास प्लस प्रेस्टीज। इसका मतलब है बड़ी संख्या में इफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना, क्योंकि एटमी एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस पर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं एटमी में पैसे कैसे कमा सकते हैं। एटमी डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन। एटमी में कुछ लोग सिर्फ एटमी प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं और कुछ लोग एटमी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जो लोग एटमी बिजनेस करना चाहते हैं वो एटमी में किसी भी एटमी मेंबर्स के जरिए ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके स्पॉन्सर हैं और ये आप हैं और ये उनके दूसरे मेंबर हैं। ठीक उसी तरह से आपके भी लेफ्ट एंड राइट में मेंबर्स होते हैं। एटमी डिस्ट्रीब्यूटर बनने के दो बड़े फायदे हैं। पहला है, आप यहाँ से एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं, वो भी कम प्राइस पर। एग्जाम्पल के तौर पर एटमी द फेम सेट परचेस करने पर आपको 60,000 PVs दिए जाते हैं, क्योंकि एटमी के सभी प्रोडक्ट्स में PVs होते हैं। इसलिए एटमी से जब जब आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तब तब आपकी ID में PVs जुड़ते रहते हैं और ये PVs आपकी ID में हमेशा रहते हैं। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये PV है क्या। PV का मतलब पॉइंट वैल्यू होता है। इसी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन और पेमेंट की कंडीशंस को निर्धारित किया जाता है। अपनी ID को मेंटेन रखने के लिए आप साल में एक एटमी टूथब्रश सेट लेकर भी अपनी ID को एक्टिव रख सकते हैं। जैसा कि पहले फ़ायदे के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप यहां से एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स कम प्राइस पर खरीद सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में। दूसरा फ़ायदा यह है कि आप यहां से कमीशंस भी ले सकते हैं। कमीशंस के बारे में डिस्कस करने से पहले पर्सनल PV और ग्रुप PV के बारे में जान लेते हैं। पहले पर्सनल PV के बारे में बात कर लेते हैं। एटमी से जो आप पर्सनल परचेस करते हैं, जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और आपको जो PVs मिलते हैं, उसे पर्सनल PV कहते हैं। अब ग्रुप PV के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लेफ्ट राइट दोनों लेग्स में जो ग्रुप परचेजिंग होती है, जो वे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उन्हें जो PVs मिलते हैं, उसे ग्रुप PV कहते हैं। दोनों लेग्स में से किसी एक लेग में PVs कम होने पर उसे स्मॉलर पॉइंट लेग कहते हैं। आप इसे स्मॉलर लेग भी कह सकते हैं। और आपके पर्सनल PV और आपके ग्रुप PV के अनुसार आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्वालिफाई होगा और उसी के अनुसार आपको कमीशन दिया जाएगा। और ये याद रहे कि कमीशन लेने के लिए आपका पर्सनल 10,000 PV होना जरूरी है। अब बात करते हैं डीलरशिप क्लास सीक्वेंस की। 5 तरह के डीलरशिप क्लास सीक्वेंस होते हैं। पहला डीलरशिप क्लास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को शॉर्टकट में सेल्स रैप भी कहते हैं, जो कि 10,000 PV से स्टार्ट होता है। जब आपका पर्सनल 10,000 PV हो जाता है तब आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। और दूसरा डीलरशिप क्लास एजेंट है। एजेंट बनने के दो तरीके हैं। पहला है, एजेंट बनने के लिए आपको अपना पर्सनल 3,00,000 PV करना होता है। और दूसरा है, आपके पिछले महीने में आपके लेफ्ट राइट दोनों लेग्स में 6,00,000 PVs होना चाहिए, तो आप एजेंट बन सकते हैं। तीसरा डीलरशिप क्लास स्पेशल एजेंट है। स्पेशल एजेंट बनने के भी दो तरीके हैं। पहला है, आपको अपना पर्सनल 7,00,000 PV करना होता है। और दूसरा है, आपके पिछले महीने में आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों लेग्स में 14,00,000 PV होना चाहिए, तो आप स्पेशल एजेंट बन सकते हैं। और चौथा डीलरशिप क्लास डीलर है। डीलर बनने के भी वही दो तरीके हैं। पहला, आपको अपना पर्सनल 15,00,000 PV करना होता है। और दूसरा, आपके पिछले महीने में आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों लेग्स में 30,00,000 PV होना चाहिए, तो आप डीलर बन सकते हैं। पांचवा और आखिरी डीलरशिप क्लास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है। इसको शॉर्ट में ED भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आपको अपना पर्सनल 24,00,000 PV करना होता है और ये जिंदगी में सिर्फ एक बार करना होता है। उसके बाद आपको कभी भी एक्स्ट्रा PVs करने की जरूरत नहीं रहती। और दूसरा तरीका है, आपके पिछले महीने में आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों लेग्स में 48,000 PV होना चाहिए, तो आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। कृपया आप अपने डीलरशिप क्लास को अच्छे से चेक कर लें और देखें कि आपको कमीशन के लिए कितनी नेट रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं एटमी में कितने प्रकार की इनकम है। एटमी में 4 तरह की इनकम है, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप प्रमोशन और एजुकेशन कमीशन।
उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि जो विदेशों में एटमी बिजनेस कर रहे हैं वे एटमी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें, क्योंकि विदेशों में अलग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल कमीशन। पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपके पास अपनी अंडरलाइन में बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो कृपया पहले आप ये चेक कर लें कि क्या आप जनरल कमीशन लेने के लिए कैपेबल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनरल कमीशन डेली कैलकुलेट किया जाता है। आपका स्कोर आपके पर्सनल पीवी और आपके लेफ्ट राइट ग्रुप्स पीवी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका डीलरशिप क्लास सेल्स रैप है और आपका पर्सनल पीवी 10,000 से 2,99,999 पीवी के बीच है और आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स पर 3,00,000 पीवी हो चुके हैं, तो आप ग्रेड 8 पर होते हैं और आपको स्कोर 5 दिया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि आज आपका डीलरशिप क्लास एजेंट है और आपका पर्सनल पीवी 3,00,000 है और आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स पर 3,00,000 पीवी हो चुके हैं, तब आप ग्रेड 7 पर होते हैं और आपको स्कोर 15 दिया जाता है। जैसे जैसे एटमी में आपका समय बढ़ता जाएगा, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में, वैसे वैसे आपके एटमी मेंबर्स भी बढ़ते जाएंगे और आपका डीलरशिप ग्रेड भी बढ़ता जाएगा। अब हम यहाँ पे डीलरशिप ग्रेड को देखते हैं। ग्रेड 8 सेल्स रैप के लिए है। जैसा कि मैंने आपको डीलरशिप क्लास में बताया था, अगर आपके पर्सनल 10,000 पीवी होते हैं तो आप सेल्स रैप होते हैं। आपके लेफ्ट राइट दोनों लेग्स में 3,00,000 पीवी होता है, तब आप ग्रेड 8 पर होते हैं और आपको एटमी 5 स्कोर देती है। 5 स्कोर को INR में कन्वर्ट करते हैं तो 1,321 रुपये होते हैं। ग्रेड को आप रैंक भी कह सकते हैं या लेवल भी कह सकते हैं। ग्रेड 7 एजेंट के लिए है। एजेंट में आपका पर्सनल 3,00,000 पीवी होना चाहिए और आपके लेफ्ट राइट दोनों लेग्स में 3,00,000 पीवी होना चाहिए और तब आपको एटमी 15 स्कोर देती है। 15 स्कोर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 3,964 रुपए होते हैं। ग्रेड 6 स्पेशल एजेंट के लिए है। स्पेशल एजेंट में आपका पर्सनल 7,00,000 पीवी होना चाहिए और आपके लेफ्ट राइट दोनों लेग्स में 7,00,000 पीवी होना चाहिए और तब आपको एटमी 30 स्कोर देती है। 30 स्कोर को INR में कन्वर्ट करते हैं तो 7,929 रुपए होते हैं। ग्रेड 5 डीलर के लिए है। डीलर में आपका पर्सनल 15,00,000 पीवी होना चाहिए और आपके लेफ्ट राइट दोनों लेग्स में 15,00,000 पीवी होना चाहिए और तब आपको एटमी 60 स्कोर देती है। 60 स्कोर को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 15,857 रुपए होते हैं। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर में आपका पर्सनल 24,00,000 पीवी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक बार पर्सनल 24,00,000 पीवीज करने के बाद आपको जिंदगी में दोबारा कभी भी एक्स्ट्रा पीवीज की जरूरत नहीं रहती। ग्रेड 4 में आपके लेफ्ट राइट दोनों लेग्स में 24,00,000 पीवी होना चाहिए और तब आपको एटमी 90 स्कोर देती है। 90 स्कोर को INR में कन्वर्ट करते हैं तो 23,786 रुपए होते हैं। ग्रेड 3 में आपके दोनों लेग्स में 60,00,000 पीवीज होना चाहिए और तब आपको एटमी 150 स्कोर देती है। 150 स्कोर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 39,644 रुपए होते हैं। ग्रेड 2 में आपके दोनों लेग्स में 2,00,000 पीवीज होना चाहिए और तब आपको एटमी 250 स्कोर देती है। 250 स्कोर को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं तो 66,073 रुपये होते हैं। ग्रेड 1 में आपके दोनों लेग्स में 5,00,000 पीवीज होना चाहिए और तब आपको एटमी 300 स्कोर देती है। 300 स्कोर को INR में कन्वर्ट करते हैं तो 79,287 रुपये होते हैं। ये डेली पीवीज के आधार पर निर्भर करता है कि आपके लेफ्ट राइट कितने पीवीज होते हैं, उसी के आधार पर आपको कमीशन दिया जाता है। सबसे हाईएस्ट ग्रेड 1 है और आप मैक्सिमम 300 स्कोर तक ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये सारे स्कोर रुपए में कैलकुलेट किया जाता है और फिर इसे कमीशन के रूप में दिया जाता है। अब हम देखते हैं हमें कमीशन कब दिया जाता है। बुधवार से मंगलवार तक एक हफ्ते के अंदर जमा हुए सभी पॉइंट्स को अगले मंगलवार को सभी के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कृपया ध्यान दें कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स विदेशों में एटमी बिजनेस कर रहे हैं, इसे नोट कर लें कि हर देश में पेमेंट डे अलग हो सकता है। अब हम नेक्स्ट इनकम के बारे में बात करते हैं। इस इनकम के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि ये इनकम एक ऐसी इनकम है जिसे हर कोई जल्द से जल्द एक निश्चित लेवल पर पहुँच कर इस इनकम को लेना चाहता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये इनकम आपको ग्लोबली मिलता है, इसलिए सभी का इंटरेस्ट इस इनकम पर सबसे ज़्यादा है। सो जिस इनकम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो इनकम है मास्टरशिप बोनस। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। एटमी में मास्टरशिप के 7 रैंक्स हैं। मास्टरशिप बोनस एक ऐसा कमीशन है जो कि तब दिया जाता है जब आप किसी मास्टरशिप रैंक तक पहुँचते हैं और तब से
हर 15 दिन में पीवीस कैलकुलेट किया जाता है और आपके पास हर महीने दो मौके होते हैं। मैं ये लाइन फिर से दोहराता हूँ कि आपको हर महीने दो मौके मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मास्टरशिप को बनाए रखने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई अन्य शर्तें नहीं है। जब तक आप एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको कभी भी प्रमोट किया जा सकता है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कृपया एटमी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम मास्टरशिप रैंक्स और कमीशंस के बारे में बात करते हैं। पहला मास्टरशिप रैंक है सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपका डीलरशिप क्लास स्पेशल एजेंट होना चाहिए, मतलब आपका पर्सनल 7 लाख पीवी होना चाहिए और तब महीने के 1 तारीख से 15 तारीख तक आपको 15 दिन मिलते हैं। इन 15 दिनों में कभी भी आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स में 25 लाख पीवी होता है तो आपको सेल्स मास्टर के लिए प्रमोट किया जा सकता है। या अगर आप पहले इन 15 दिनों में नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरा मौका महीने के 16 तारीख से महीने के आखिरी दिन तक मिलता है और तब आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स में 25 लाख पीवी होता है तो आपको सेल्स मास्टर के लिए प्रमोट किया जा सकता है। कड़ी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती। पहला मास्टरशिप सेल्स मास्टर एटमी में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेल्स मास्टर को बनाए रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑटो सेल्स मास्टर भी कहा जाता है और उन्होंने एटमी में सक्सेस होने के लिए पहला कदम उठाया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि आप सेल्स मास्टर के बारे में अच्छे से समझ गए हैं तो आपको आगे नेक्स्ट मास्टरशिप समझने में आसानी होगी। और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मास्टरशिप रैंक है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर बनने के लिए आपका डीलरशिप क्लास डीलर होना चाहिए, मतलब आपका 15 लाख पीवी होना चाहिए और आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स में दो दो सेल्स मास्टर्स होते हैं तो आपको डायमंड मास्टर के लिए प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट रैंक शेरोन रोज मास्टर है। शेरोन रोज मास्टर बनने के लिए आपका डीलरशिप क्लास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, मतलब आपका पर्सनल 24 लाख पीवी होना चाहिए और आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स में दो दो डायमंड मास्टर्स होते हैं तो आपको शेरोन रोज मास्टर के लिए प्रमोट किया जा सकता है। अगला मास्टरशिप रैंक स्टार मास्टर है। स्टार मास्टर बनने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पर्सनल पीवीस करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर आखिरी डीलरशिप क्लास है और आपने पिछले ही मास्टरशिप रैंक में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हासिल कर लिया था और आगे जितने भी मास्टरशिप रैंक है उन सब में आपका डीलरशिप क्लास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बना रहता है और आगे आपको कोई एक्स्ट्रा पर्सनल पीवीस करने की जरूरत कभी नहीं रहती। सो स्टार मास्टर बनने के लिए आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स में दो शेरोन रोज मास्टर्स होते हैं तो आपको स्टार मास्टर के लिए प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट रैंक रॉयल मास्टर है। रॉयल मास्टर बनने के लिए आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स में दो स्टार मास्टर्स होते हैं तो आपको रॉयल मास्टर के लिए प्रमोट किया जा सकता है। और अगला लेवल है क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर बनने के लिए आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स में दो रॉयल मास्टर्स होते हैं तो आपको क्राउन मास्टर के लिए प्रमोट किया जा सकता है। फाइनली आखिरी मास्टरशिप रैंक के बारे में बात करते हैं। ये वही रैंक है जिसे हर कोई पाना चाहता है और इस लेवल पर पहुंचने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत है क्योंकि हर एक अटोमियंस का टारगेट इसी रैंक को हासिल करना होता है और वो रैंक है इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग्स में दो दो क्राउन मास्टर्स होते हैं तो आपको इंपीरियल मास्टर के लिए प्रमोट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मास्टरशिप बोनस कब और कितना दिया जाता है। आपके मास्टरशिप रैंक के आधार पर 20% टोटल सेल्स पीवी का सभी को इक्वली बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 10% सभी सेल्स मास्टर्स को इक्वली बांट दिया जाता है जो कि 20% का आधा होता है क्योंकि सेल्स मास्टर मास्टरशिप रैंक्स का बेस है, आधार है, इसलिए इस पर काफी फोकस किया गया है। ठीक उसी तरह से 5% सभी डायमंड मास्टर्स को बांट दिया जाता है और 2% सभी शेरोन रोज मास्टर्स को बांट दिया जाता है और 1.2% स्टार मास्टर्स को, 1% रॉयल मास्टर्स को, 0.5% क्राउन मास्टर्स को और आखिर में 0.3% सभी इंपीरियल मास्टर्स को इक्वली बांट दिया जाता है और पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेशन करने के बाद 7वें दिन पेमेंट कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हर महीने आपको दो मौके मिलते हैं, एक से 15 तारीख तक और दूसरा 16 तारीख से महीने के आखिरी दिन तक। तो जो आपका 1 तारीख से 15 तारीख तक कमीशन होता है वो आपको 22 तारीख को पेमेंट कर दिया जाता है और जो 16 तारीख से महीने के आखिरी दिन तक आपका कमीशन होता है वो आपको अगले महीने के 7 तारीख को पेमेंट कर दिया जाता है। और कृपया आप ये नोट कर लें कि ये हर देश के आधार पर अलग हो सकता है, इसलिए एक बार आप वेबसाइट पर जाकर अच्छे से चेक कर लें। और ये भी याद रखें कि जब आपको कोई भी मास्टरशिप रैंक के लिए प्रमोट किया जाता है तो आपको एटमी की तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। तो देखते हैं कि वो गिफ्ट कौन से हैं जो एटमी प्रोवाइड करवाती है। मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स। जब आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं तब आपको 2 एटमी द फेम सेट्स और 1 एटमी इवनिंग केयर सेट के साथ सम्मानित किया जाता है।
और जब आप डायमंड मास्टर बन जाते हैं तब आपको लैपटॉप कंप्यूटर या टैबलेट दिया जाता है जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपये होती है और साथ ही 2 एटमी द फेम सेट्स और 1 एटमी इवनिंग केयर सेट दिया जाता है। शैरोन रोज मास्टर बनने पर आपको 2 ट्रेवल टिकट्स 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए मिलते हैं जो कि प्रत्येक ट्रेवल टिकट्स की कीमत 50,000 रुपये होती है और साथ ही आपको 1,20,000 रुपये कैश से सम्मानित किया जाता है। स्टार मास्टर बनने पर आपको 4 ट्रेवल टिकट्स 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए मिलते हैं जो कि प्रत्येक ट्रेवल टिकट्स की कीमत 50,000 रुपये होती है और साथ ही आपको 6,00,000 रुपये कैश से सम्मानित किया जाता है। रॉयल मास्टर बनने पर आपको 4 ट्रेवल टिकट्स 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए मिलते हैं जो कि प्रत्येक ट्रेवल टिकट्स की कीमत 2,40,000 रुपये होती है और आपको कार रेंटल फी भी दिया जाता है जो कि 60,000 रुपये होती है और 1,20,000 रुपये स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़ के लिए मिलते हैं ताकि आप अपनी टीम को फास्ट ग्रो करने में मदद कर सकें और साथ ही आपको 30,00,000 रुपये कैश से सम्मानित किया जाता है। क्राउन मास्टर बनने पर आपको 4 ट्रेवल टिकट्स 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए मिलते हैं जो कि प्रत्येक ट्रेवल टिकट की कीमत 2,40,000 रुपये होती है और एक लग्जरी कार दी जाती है जिसकी कीमत 40,00,000 रुपये होती है और 3,00,000 रुपये स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़ के लिए मिलते हैं ताकि आप अपनी टीम को आगे बढ़ने में मदद कर सकें और साथ ही आपको 1,80,00,000 रुपये कैश से सम्मानित किया जाता है। और आखिर में इंपीरियल मास्टर बनने पर आपको 4 ट्रेवल टिकट्स 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए मिलते हैं जो कि प्रत्येक ट्रेवल टिकट्स की कीमत 2,40,000 रुपये होती है और एक लग्जरी कार दी जाती है जिसकी कीमत 50,00,000 रुपये होती है और साथ ही आपको एक पर्सनल ड्राइवर दिया जाता है और ड्राइवर की सैलरी 50,000 रुपये होती है और 6,00,000 रुपये स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़ के लिए मिलते हैं ताकि आप अपनी टीम को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद कर सकें और 1,700 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस मिलता है वो भी पर्सनल असिस्टेंट के साथ। ऑफिस का रेंट करीब 1,50,000 रुपये होता है और असिस्टेंट की सैलरी 50,000 रुपये होती है और साथ ही आपको 6,00,000 रुपये कैश से सम्मानित किया जाता है। तो ये थे मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स। और अब आखिर में बात करते हैं एजुकेशन कमीशन के बारे में। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एटमी बिजनेस को सपोर्ट और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एटमी बिजनेस के बारे में सिखाने और उन्हें एजुकेट करने के लिए कंपनी द्वारा अप्रूव्ड एक एजुकेशन सेंटर खोलते हैं तो वह एलिजिबल हो जाते हैं एजुकेशन कमीशन लेने के लिए और उन्हें 1 महीने में 2 बार एजुकेशन कमीशन दिया जाता है जो कि उस एजुकेशन सेंटर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के सेल्स पीवी का 6% होता है। एजुकेशन कमीशन के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप एटमी कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं या आप ऑफिस भी जा सकते हैं। तो अब से आपको क्या करना है, अपने सभी जानने वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने परिवारों को एटमी के बारे में बताएं और उन्हें इंट्रोड्यूस भी करवाएं। फास्ट ग्रो और ज़्यादा सक्सेस होने के लिए आप एटमी सेमिनार्स लगातार अटेंड करते रहें और आपके नज़दीकी एजुकेशन सेंटर पर जब भी एटमी सेमिनार्स होता है तो आप वहां ज़रूर जाएं। और ये मैं आशा करता हूं कि एटमी कंपनसेशन प्लान आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पर एटमी कंपनसेशन प्लान समाप्त होता है और मैं मदन चौधरी आप सभी के उज्जवल भविष्य और सफलता की कामना करता हूँ और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।